फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साल 2015 की एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो कहानी की शुरुआत में हमें निक जोन्स को दिखाया जाता है, जिसका मूवी में मार्टिन नाम है, जो अपने पेरेंट्स और अपने बेस्ट फ्रेंड कासिम के साथ हॉलिडे मनाने एक बीच साइड पर गया था, जहां वो दोनों कुछ लड़कियों को देख रहे थे और अक्सर ही वो लड़कियों को घूरते रहते थे। जिसके बाद मार्टिन अपने घर में आ जाता है, जो कि एक लेक हाउस था जो उन्होंने हॉलिडे मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए रेंट पर लिया था। तभी वो खिड़की से देखता है कि वहाँ एक और भी कपल हॉलिडे मनाने आए थे, जो एक शानदार चमचमाती कार से उतरते हैं और उन्होंने वहाँ का सबसे महंगा और आलीशान घर लिया था। और उन्हें देखकर ही ये बात पता चल रही थी कि वो कपल बहुत रिच है और इनका नाम हापा और लीना होता है। और मार्टिन का ध्यान उस लड़की लीना पर था, जो बहुत ही सुंदर थी, जिससे मार्टिन की नजरें हट ही नहीं रही थी। पर तभी लीना की नज़र भी मार्टिन पर पड़ती है, जो खिड़की पर खड़ा उसे ही देख रहा था। तो डर के मार्टिन खिड़की से पीछे हट जाता है, जिसके बाद मार्टिन लीना को देखने के लिए बाहर जाकर साइकिल ठीक करने के बहाने से लीना को देखता है। पर लीना का मार्टिन पर ध्यान नहीं जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब मार्टिन अपने घर जाता है, तो वहाँ उसके डैड उसे उनके नए पड़ोसी से मिलवाने के लिए पड़ोस के घर में बुलाते हैं, जो कि लीना का हस्बैंड हापा ही था। वो एक मिडिल एज का आदमी था, जबकि लीना काफी यंग और मार्टिन की उम्र की ही थी। हापा मार्टिन से मिलके काफी खुश होता है और हापा उसे उसकी बोट पर काम करने का ऑफर भी देता है, क्योंकि उसे क्रूज और बोट्स की काफी अच्छी नॉलेज थी। जिसके अगले दिन मार्टिन हापा की नाव पर जाता है, जहां लीना स्विमिंग कर रही थी, और वो लीना को ऐसी हालत में देखकर बस देखता ही रह जाता है कि तभी वहां पर लीना का हस्बैंड यानी कि हापा आ जाता है, जो मार्टिन से पूछता है कि उसे बोट कैसी लगी। तो मार्टिन बोट की तारीफ करता है और फिर हापा उसे बताता है कि वो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और अब उसे ही उसकी बोट की देखरेख करनी होगी। तब मार्टिन उसे कहता है कि वो इस काम के लिए $15 लेगा, तो हापा कहता है कि वो उसे $20 देगा, पर उसे उसका काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। जिसके बाद उसी रात को मार्टिन वापस से उसकी खिड़की पर खड़ा था, तभी वो देखता है कि वहाँ लीना आती है और वो अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी वहाँ उसका हस्बैंड हापा भी आ जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, और ये देखकर मार्टिन अपना मुंह मोड़ लेता है। जिसके अगले दिन मार्टिन और हापा उनकी बोट पर होते हैं, तब मार्टिन हापा से पूछता है कि उसने इतनी शोहरत कैसे हासिल करी है। तो हापा उसे कहता है कि यह सब उसकी पर्सनैलिटी का कमाल है। जिसके बाद हापा उसके काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, और दिन के वक्त जब मार्टिन अपने कुछ काम में व्यस्त था, तभी उसे लीना के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भाग कर देखने जाता है, तो लीना की कार में एक छोटी सी मकड़ी थी जिससे डर के वो चिल्लाई थी। तो मार्टिन उस मकड़ी को वहाँ से हटा के उसके जूते से कुचल के उसे मार देता है, और इसी सब में लीना मार्टिन के काफी करीब आ जाती है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। और मार्टिन फिर ये सारी बात अपने दोस्त कार्सन को भी बताता है, तो वो उसे उसके पति यानी कि हापा से बच के रहने को बोलता है, क्योंकि वो आदमी उसे काफी खतरनाक लगता है। जिसके बाद मार्टिन जब अपने काम से वापस आता है, तो लीना उसे घर के बाहर बैठी नजर आती है। वो मार्टिन से कहती है कि उसके घर की चाबी उससे कहीं मिस हो गई है, तो क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है ताकि वो अपने घर में किसी तरह से अंदर जा सके। तब मार्टिन लीना के कहने पर घर की विंडो तोड़ के घर के अंदर जाता है और अंदर से वो घर का डोर खोल देता है ताकि लीना अंदर आ सके। जिसके बाद लीना देखती है कि मार्टिन को इस सब में चोट लग गई है, तो वो उसे अंदर बुलाती है और उसको मरहम लगाती है और कुछ बहकी हुई सी आवाज में उसे कहती है कि वो अब ठीक हो जाएगा। और तभी मार्टिन उसे किस कर देता है और फिर वो उसे डर के सॉरी भी बोल देता है। लेकिन लीना को इससे कोई परेशानी नहीं थी और वो उसे कहती है कि तुमने सही तरह से किस नहीं करी। और अब वो अब उसे ठीक तरह से किस करने को कहती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। जिसके बाद लीना अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह वो दोनों साथ में सो के उठते हैं। तब लीना मार्टिन को कहती है कि वो रिलेशनशिप बनाने में काफी अच्छा है। तो वो पूछती है कि क्या इससे पहले भी वो किसी के साथ रिलेशन में रहा है। तो मार्टिन मजाक में कह देता है कि ये उसने तीसरी बार किसी के साथ रिलेशन बनाया है। जिसके बाद अपने घर जाके भी मार्टिन लीना को ही याद करके मन ही मन खुश हो रहा था। जिसके बाद वो ये सारी बातें अपने दोस्त को भी जाके बताता है। जिसके बाद कुछ दिन तक मार्टिन लीना को दूर से ही देखता रहता है और उसे और ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए वो वर्कआउट भी करने लगता है। जिसके अगले दिन जब मार्टिन बोट पर काम कर रहा था, तभी लीना भी वहां आ जाती है और वो मार्टिन को कहती है कि उसे उसके हस्बैंड ने भेजा है ये देखने के लिए कि तुम काम ठीक तरह से कर रहे हो या नहीं। और फिर वो बोट के अंदर जाते हैं, जहां लीना उसे पर्दे गिराने को कहती है। तो मार्टिन पर्दे लगा देता है और फिर लीना उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है।
जिसके बाद वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और फिर फिजिकल हो जाते हैं। जिसके अगले दिन मार्टिन अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा था, तब वो देखता है कि हप वापस आ चुका है और वो एक दुकान के बाहर खड़ा लीना का वेट कर रहा है और लीना शॉप के अंदर कुछ सामान ले रही थी। तभी वो भी उस शॉप के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो और लीना शॉप के पिछले दरवाजे से बाहर आ जाते हैं और शॉप के पीछे जाके वो रोमांस करने लगते हैं। और जब काफी देर तक लीना वापस नहीं आती तो हाप भी शॉप के अंदर आ जाता है, और इससे पहले कि वो लीना और मार्टिन को साथ पकड़ता, लीना खुद ही मार्टिन को एक किस करके बाहर चली जाती है। जिसके बाद हाप एक दिन जब बोट पर जाता है तो बोट को देखने के बाद वो मार्टिन से कहता है कि वो बोट पर ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसने उसे सिर्फ इसलिए बोट पर रखा था क्योंकि उसे लगता था कि वो मेहनती है। और फिर वो उसे बोट पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देने को कहता है और फिर वो उसे बताता है कि कल उसे वापस से कुछ दिनों के लिए बाहर एक ऑफिशियल टूर पर जाना है। और इसका फायदा उठाकर हाप की गैरमौजूदगी में मार्टिन फिर एक बार उसके घर लीना से मिलने चला जाता है, जहां वो दोनों फिर एक बार इंटीमेट होते हैं। और फिर लीना मार्टिन को एक नया फोन भी देती है और उसे कहती है कि उसका हस्बैंड हाप एक गुस्से वाला और खतरनाक इंसान है, इसलिए वो अब इस नए फोन से ही बात करा करेंगे ताकि उसे शक न हो। जिसके बाद वो घर के किचन में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, तभी खिड़की से उनका माली उन्हें ये सब करते देख लेता है। जिसके कुछ दिन बाद हाप जब वापस आ जाता है, तब एक दिन वो मार्टिन को बोट निकालने को कहता है और वो लोग बोटिंग का मजा ले रहे होते हैं कि तभी बोट आधे रास्ते में ही बंद पड़ जाती है और हाप इंजन रूम में बोट चेक करने जाता है। तब लीना मार्टिन को बताती है कि वो हाप से तलाक लेने के बारे में सोच रही है कि तभी वहां पर हाप भी आ जाता है, हालांकि उसने कुछ सुना नहीं था। जिसके बाद वो मार्टिन को बोट ठीक करने को कहता है, जिसके बाद उसी रात लीना मार्टिन से मिलती है और वो उसे बताती है कि आज हाप ने उसे बहुत मारा है और उसे मारने के बाद वो घर से कहीं चला गया है। तो मार्टिन उसे कहता है कि उसे पुलिस में इसकी कंप्लेंट करना चाहिए, मगर लीना कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी। तो फिर वो लोग घर चले जाते हैं, जिसके अगले दिन लीना मार्टिन को फोन करती है और फोन पर वो काफी डरी हुई सी लग रही थी। वो मार्टिन से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है, तो तुरंत ही मार्टिन लीना के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लीना और हाप की लड़ाई हो गई थी और वो उसे मार रहा था। तो अपने बचाव में उसने उसके सर पर किसी चीज से वार किया, जिसमें हाप की मौके पर ही मौत हो गई। और अब लीना हाप से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं इस सब में फंसना नहीं चाहती हूँ। जिसपे मार्टिन कहता है कि हम मिलके कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, पर वो फिर कहता है कि तब तक उन्हें ऐसे बिहेव करना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि उन्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा ताकि किसी को भी उन पे शक ना हो। जिसके बाद मार्टिन अपने काम पर चला जाता है और जब वो वापस लौट के अपने घर आता है तो वो देखता है कि लीना भी उसके ही घर में उसके मॉम डैड के साथ बैठी हुई थी। तब मार्टिन लीना से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो कहती है कि वो एक डेड बॉडी के साथ उसके घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए वो यहाँ आ गई। और फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना है। तब मार्टिन कहता है कि उन्हें इस मर्डर को कोई एक्सीडेंट बनाना होगा और उनके पास बचने का बस यही एक रास्ता है। और फिर मार्टिन लीना को कहता है कि अगर कोई उससे हाप के बारे में पूछे तो उसे बस यही कहना है कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेके कहा सुनी हो गई थी और हाप उसके बाद गुस्से में कहीं चला गया और अब तक नहीं लौटा, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। जिसके बाद वो डेड बॉडी को लेकर हाप की बोट में चला जाता है, पर तभी वहाँ का गार्ड आ जाता है और मिस्टर हाप कहकर वो बोट के बाहर से ही आवाज देता है। तो मार्टिन हाप की तरह ही एक्टिंग करता है, जिससे उसे लगता है कि वो मिस्टर हाप ही है। और फिर मार्टिन बोट लेके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुबह पुलिस को हाप की डेड बॉडी मिलती है और क्राइम सीन से तो ऐसा ही लगता है जैसे हाप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। जिसके बाद मार्टिन देखता है कि पुलिस लीना के घर में पूछताछ करने आई है और वो पुलिस वालों से कुछ बात कर रही है। मार्टिन ने उस रात हाप की बॉडी पर पहले बोट की बीम से वार किया था, जिससे ऐसा लगे कि उसके सर में चोट बीम के लगने से आई है, और फिर उसने बोट में शराब और सिगरेट की मदद से आग लगा दी थी, जिससे ये सब एक एक्सीडेंट ही नजर आ रहा था। जिसके बाद मार्टिन अपनी आम जिंदगी जीने लगता है और उसके दोस्त के बार में काम करने लगता है, जहां कुछ पुलिस वाले भी आए हुए थे और वो इसी केस को डिस्कस कर रहे थे। जिसके बाद कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उनके शहर में आ रही होती है। ये लड़की एक पुलिस एजेंट थी। वो लड़की फिर पुलिस से मिलने जाती है और उन्हें वो कहती है कि हाप के नाम एक बहुत बड़ी यानी कि करोड़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी नॉमिनी लीना है, और इंश्योरेंस का ये सारा पैसा अब लीना को मिलने वाला है और इसी की छानबीन करने के लिए ये एजेंट यहाँ आई है।
जिसका काम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना और मौत का असल कारण पता करना है, जिसके लिए लीना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां यही इन्वेस्टिगेटर लीना से कई तरह तरह के सवाल जवाब करती है और वो उसके और उसके पति के संबंध कैसे थे ये भी पूछती है। और फिर वो पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिस पे लीना कहती है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। और फिर लीना ऐसे अजीब सवालों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल जारी रखती है। और अब वो बोटयार्ड के गार्ड से पूछताछ करती है, ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसने उस रात हापा को देखा था, पर वो पुलिस को बताता है कि उसने अंधेरे में शक्ल नहीं देखी थी, तो ये भी हो सकता है कि उसने जिसे देखा था वो हापा ना हो बल्कि उसकी जगह कोई और हो, जिसके बाद पुलिस मार्टिन के फादर से मिलने भी जाती है। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टिगेटर भी खोज पड़ताल में लगी हुई थी और वो हापा के घर भी पहुंच जाती है, जहां उसे वो टूटी हुई खिड़की भी मिलती है जो मार्टिन तोड़ के अंदर घुसा था लीना की मदद करने के लिए। जिसके बाद वो एजेंट मार्टिन के घर जाती है और वो पूछती है कि लीना उनके घर कब और कितनी बार आई है। तब उसके पिता बताते हैं कि एक ही बार वो उनके घर आई थी और वो उनसे नहीं बल्कि उनके बेटे मार्टिन से मिलने आई थी। मार्टिन भी छुप के ये सब सुन रहा होता है और फिर उन लोगों को वो एजेंट साथ में पुलिस स्टेशन आने को कहती है। मार्टिन काफी घबरा जाता है और वो लीना को कॉल करता है, पर तभी उसके डैड कार में आते हैं तो उन्हें देखकर वो फोन कट कर देता है, जिसके बाद एजेंट पुलिस स्टेशन में मार्टिन से कुछ सवाल पूछती है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। पर मार्टिन की माँ तब उनसे कहती है कि मार्टिन को इस बारे में कुछ नहीं पता है और वो उसे इस सब में ना घसीटे, जिसके बाद उस समय तो पुलिस उन्हें जाने देती है। जिसके बाद मार्टिन को लीना का एक मैसेज आता है और वो उसे बोट यार्ड में मिलने बुलाती है, जहां वो मार्टिन से कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा क्योंकि पुलिस को उन दोनों पर शक है। जिसके बाद मार्टिन अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर वह देखता है कि उसके घर में एजेंट की टीम पहले से ही बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। और मार्टिन को देखते ही एजेंट उसे कहती है कि उन्हें उसके फिंगरप्रिंट्स, मुंह की लार और ब्लड सैंपल चाहिए है। और फिर उसे पुलिस कार में बिठाया जाता है और वो एजेंट उससे फिर पूछताछ करने लगती है, लेकिन मार्टिन उसे कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद मार्टिन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। मार्टिन पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इस केस में और भी ज्यादा फुसता जा रहा था। तभी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी आ जाती है जो मार्टिन के ब्लड से मैच हो गई थी। ये वही ब्लड था जो लीना के घर की टूटी खिड़की से मिला था, जिसमें मार्टिन लीना की मदद के लिए घुसा था। और अब तो मार्टिन बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ सबूत भी मिल गया था। दूसरी तरफ लीना उसके खिलाफ सारे सबूत मिटाती जा रही थी, यहाँ तक कि वो माली जिसने लीना और मार्टिन को साथ देखा था पुलिस उस तक पहुँचे उससे पहले ही, वो भी अब मरा हुआ मिलता है। जिसके बाद मार्टिन किसी तरह से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वहाँ से भाग जाता है और वो अब यार्ड पर आता है, जहाँ इत्तेफाक से उसे लीना भी मिल जाती है। लीना पहले तो मार्टिन को देखकर उसे किस करती है, उसके बाद वो अपने कपड़े फाड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे मार्टिन उसका रेप कर रहा है। तभी पुलिस भी मार्टिन के पीछे वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद मार्टिन बड़ी मुश्किल से एक पुलिस वाले को इस बात के लिए मनाता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की जान ले ले, और वो सिर्फ एक मौका मानता है उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए। और फिर वो पुलिस वाला उसे जाने देता है, जिसके बाद मार्टिन अब सीधा लीना के मोटल में जाता है, जहां वो उस फोन को ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें लीना और उसकी सारी चैट्स हैं, जिससे ये साबित हो रहा था कि ये सब लीना ने किया है। और फिर मार्टिन को वो सेल फोन भी मिल जाता है। तभी वहां लीना और वो एजेंट भी आ जाती है और मार्टिन एजेंट को वो फोन दे देता है और कहता है कि इसके अंदर उसकी बेगुनाही के सारे सबूत हैं। और फिर लीना और एजेंट बिना कुछ कहे ही वो फोन लेके और मार्टिन को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं, और ये बात मार्टिन को बहुत अजीब लगती है। तभी मार्टिन को लीना के पैर का एक टैटू नजर आता है, जिसका दूसरा हिस्सा एजेंट के पैर में था, यानी कि दोनों के पैर में सेम टैटू था, जिसका मतलब कि एजेंट लीना की प्रेमिका थी। और अब मार्टिन सब कुछ समझ जाता है कि ये सब एजेंट और लीना ने मिलकर सोची समझी प्लानिंग के साथ करा था, और शुरू से ही इस सब में एजेंट लीना का साथ दे रही थी। और इस सारे खेल का मोहरा मार्टिन बन गया, जिसे उन्होंने पुलिस को उलझाने के लिए इस्तेमाल किया, जब तक कि उन्हें इंश्योरेंस क्लेम का सारा पैसा नहीं मिल जाता। और अब जब हापा के इंश्योरेंस का पैसा उन्हें मिल गया है, तो वो दोनों यहाँ से जा रही है, जहाँ पहले तो लगता है कि लीना ने मार्टिन को इस सब में फंसाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जाते वक्त अपने प्यार की खातिर मार्टिन को वो फोन दे जाती है, जिसमें मार्टिन की बेगुनाही का सबूत था,
और फिर वो दोनों सारा पैसा लेके वो देश छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आपके अपने चैनल फिल्मी चिड़िया को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी। सो गुड बाय एंड टेक केयर।